जाएंगे भी इधर से, जाएंगे भी इधर से। अरे सब टूटेंगे भाई, अरे सब मरेंगे भाई, जितने कैमरे में इंटरव्यू बना ना उनका टाइम मिलेगा नहीं लग रहा है। नारायण सिंह, ओम राउत, अनिल शर्मा, मधुर भंडारकर, सीएम का पूरा वो आया देख, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, एकदम बाजू में एकदम इंदा वाली जमा चौथे घूम घूम बैग लेके आना चाहिए भाई। मेरा बोला मतलब अपने को वो कवर नहीं करना है, नहीं लेकिन मेरे को क्या लग रहा है मालूम है सब बड़ा बड़ा यूजर मानेगा पाँच करो लवाटे भी साथ में है। कैमरा कहाँ गया यही है ना 001 हाँ चालू है देखिए।
Be here anytime. The opening remarks on investments in Uttar Pradesh. Thank you, sir. आप सभी का आज इस बैठक में स्वागत है. उत्तर प्रदेश ने एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए अपने लिए एक लक्ष्य के पोटेंशियल को शोकेस किया है और आज हम मुंबई में उपस्थित हैं आप सभी के बीच में
जिसमें हम स्टेट रोड शोज की बिगनिंग यहाँ पे कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आज इसको खुद काम हुआ है वो आपसे छुपा नहीं है। यूपी की फिल्म पॉलिसी हैज़ बीन पिक्ड अप वेरी वेल और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म्स की शूटिंग और ओटीटी की शूटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए जितने सीरियल्स बन रहे हैं उसकी शूटिंग में तेज़ी आई है और जो शूटिंग लोकेशंस निकल करके आई हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से जितना सहयोग मिला है उसी का ये रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश जो थी और उसके क्रम में हम लोगों ने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, इंडस्ट्री से भी किया, डिफरेंट प्लेयर्स से किया है जो भी फिल्म जगत से जुड़े हैं और प्रोडक्शन से जुड़े हैं और उनके इनपुट्स को शामिल करके आर बिड इज आउट नाउ। 7 जनवरी इज द लास्ट डेट जिसमें कि बिड्स उसमें हम लोगों ने इन्वाइट कर रखी हैं और उसमें यहाँ भी हम लोग इस रिक्वेस्ट के साथ में आए हैं। वैसे हम लोगों ने अलग से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी की हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें और वो एक अच्छा डेवलपर हम लोगों की कोशिश है कि उसको लेकर के आएँ जिससे ये जो 1000 एकड़ का हम लोगों ने एरिया ईयरमार्क किया है विच इज़ वेरी क्लोज टू जेवर, जेवर इज़ बिकमिंग एशियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द नियर फ्यूचर और उसके अगल बगल में पूरा एक ग्रोथ सेंटर निकल करके आ रहा है। वी आर टारगेटिंग दैट एज ए मेजर फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन एंड फिल्म प्रोडक्शन डेस्टिनेशन। इसमें अम्यूजमेंट पार्क से लेकर के साईफाई पार्क जितने भी आप परिकल्पना कर सकते हैं उसकी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने दी है एंड मैं यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो हमारी गिद है उसके ऊपर जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड फील फ्री टू कनेक्ट विद अस एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। कि यूपी के इन्वेस्टमेंट पर फिल्म A picturesque location adds to the charm of storytelling on screen. Every location in Uttar Pradesh. आपका और मैं सबसे पहले आपको महाराज जी और आपकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से यूपी में फिल्म इंडस्ट्री की प्रगति हुई है ये मैंने बहुत सालों से नहीं देखी जो कि मैंने कुछ सालों में देखी है और ख़ासकर जो आपने फिल्म सिटी ये बड़े ही प्रण से और लगन से इसको पूरा विस्तार रूप दिया है। साथ में मैं ये चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए लेकिन शिक्षा स्थान की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यूपी के बच्चे भी जो हैं वो कलाकार एक ट्रेंड कलाकार बने, ट्रेंड टेक्नीशियंस बने और ताकि आने वाले समय में आपको बाहर से जो है वो टैलेंट नहीं मंगाना पड़े, आपके बच्चे ही उस फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। उसकी भी एक सॉफ्ट पावर की भी ज़रूरत है हार्ड पावर के साथ साथ, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। मैं तलपे शिवाशीष सरकार ऑन बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सीएम सर, वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी एंड कॉलिंग अस हियर। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री we are really thankful that you have given us an opportunity to think, decide and speak that what can be done and what we can do on behalf and you have opened up the doors of the UP as a state. There are a lot of things and the initiatives what we are seeing and what we are seeing here which really is amazing. There are two or three ways or different ways a state can be an attracting power. It can be either through the infrastructure, the kind of studio facilities, the kind of infrastructure you are building. Taking the cue from what Shubhashji was saying, that along with the infrastructure, you have to build up an ecosystem of people and the skill. And our industry and our people from here can play an active role, whether setting up in film schools, animation schools, any kind of skill sets. We have done that for a lot of years. The second way of attracting talent and building up an overall ecosystem is, which also I think the pivotal role has been played through the incentives and subsidies. But probably a time will come to look at those upper caps because many point of time a large investment of hundreds of crores of claims probably will not decide by a level of 1 crore, 2 crore kind of a limit. We can discuss offline and can think through. And the third point on behalf of the guild is the request is that Shilpa Bandhu has been doing wonderful with the industry and our industry. But that line of demarcation between television production, OTT production and film production, if that can go, because all sectors of productions are, in today's world, the significant amount of productions are happening in OTT as well as TV, as well as film. Thank you. Sir,
Sir, we'll make an important announcement on OTT. So, just wait. Next. जब मैं यशराज में था तो यूपी में हमने बहुत शूटिंग की और बहुत मज़ा आया. सौभाग्य से हमने ऑलमोस्ट 35 कंट्री में शूट किया इससे पहले. बट यूपी एज अ स्टेट में जो शूटिंग करने का जो माहौल है और जो अपनापन है वो बहुत कम स्टेट्स और जगहों में मिलता है. और थैंक यू फॉर दैट. और इसकी वजह ये भी है कि आप लोग ने इसको इतना आसान बना दिया है. मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट तो बन ही गया है, इसमें कोई शक नहीं है. और अब फिल्म सिटी बनने के बाद मेरे ख्याल से और चार चांद लग जाएंगे हर चीज़ को. सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो साउथ, क्योंकि अब मेरा एक पैर साउथ में भी है, तो साउथ में इतनी अवेयरनेस नहीं है यूपी एज अ स्टेट शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. एज अ स्टेट एवरीबडी नो में जाके, चेन्नई में जाके, क्योंकि वो उनकी भी फिल्में बहुत बड़ी बन रही हैं, तो वो जाके फिर प्लान कर सकते हैं यूपी में आके शूटिंग कर सकते हैं और अवेयरनेस और बढ़ सकती है, कल्चर भी बढ़ सकता है यूपी का. धन्यवाद. थैंक यू. नेक्स्ट. सर, एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा, फिल्म जो सिटी है उसमें फिल्म इंस्टीट्यूट भी प्लान है, सो इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द फिल्म. वी आर इनटू थिएटर्स, प्रोडक्शन, रियल एस्टेट एज वेल एज गौशाला, तो आपको मिलेंगे जरूर वहाँ पे लखनऊ में. एक ही चीज कहना चाहूंगी कि प्रोडक्शन के लिए तो सब यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं, तो दे आर द बेस्ट टू डिसाइड. बट इतना बड़ा आपका स्टेट है हिंदी स्पीकिंग, बट बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हैपेंस ओनली 6%. तो आप जरा मतलब आप देने की बात कर रहे हैं, थोड़े लेने की भी बात कीजिए और थोड़े थिएटर्स पे आप सपोर्ट कीजिए, तो GST रेवेन्यू भी मिलेगा. कम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड थॉट. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट. नमस्ते महाराज जी, सोनू निगम बोल रहा हूँ. मैं क्या कहूँ, सबने अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आपसे शेयर भी कर रहे हैं. मैं यही कहूँगा कि मैं, मेरा परिवार यूपी से है, मेरे फादर यूपी से हैं, मेरी मम्मी उत्तरांचल से है और पैदा हुई थी महाराष्ट्र में, तो मेरे तो तीनों से संबंध है. तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप यूपी और महाराष्ट्र को इस तरीके से मिला रहे हैं. और हमारी ओर से यहाँ मेरे काफ़ी कुछ बड़े बैठे हैं, कुछ छोटे हैं, हमारी ओर से जो बेस्ट हो पाएगा आपकी नीयत और आपके प्यार को. और आपकी, जैसे बोनी जी ने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने यूपी को क्राइम मुक्त किया है, सबसे बड़ी बात यह है. और इतने प्रेम भाव से आप यहाँ पर आके सबको मिल रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश जाता है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलके यूपी में ये जादू और मैजिक करके दिखाएंगे हम लोग. थैंक यू. कैलाश जी. हरिओम महाराज जी, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ. यहाँ महामूर्तियाँ बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बात हो रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं. बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को. और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें. उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए. भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं. भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है. आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं. एक वहाँ अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए, फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो. ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है. तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए. बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरुजी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा. और ये संत लोग, आप जैसे लोग कर सकते हैं, थोड़ा उस पर भी देंगे हम ध्यान. बस यूपी में आइए, हम यूपी के हैं, ऐसा स्वागत करेंगे साहेब, अपना तन मन धन तीनों से आप सबका स्वागत करेंगे. ऐ मेरे पूरे विश्व वालों और क्रिएटिव मस्तिष्क वालों, बस थोड़ा सा ये है कि हेल्थ पे ध्यान देना है अपनी अपनी, और खुश रहना. खुश रहना भूल रहे हैं महाराज जी लोग, तो जरा फिल्म सिटी के साथ एक इल्म सिटी भी वहाँ चुप्पचाप गाड़ देंगे. आओ 15 दिन का फरवरी में मेडिटेशन करो, बहुत अच्छे वहाँ कलरव हो पक्षियों का, और झील हो, कोई नदी के किनारे कुछ और हो रहा हो, अच्छा सा मेडिटेशन हो रहा हो, म्यूजिक हो रहा हो, ऐसा भी एक जरा काम हो. हरिओम. थैंक यू. द्विवेदी जी से अब शुरू करेंगे, इधर से सीनियर लोगों. चल प्रकाश जी.